फ्रेंड्स, यहाँ पालक मटर की सब्जी हमने तैयार कर लिया है, आप भी बनाइए। हूबहू मेरी वीडियो को फॉलो करते हुए एक बार बनाकर खाना बनता है फ्रेंड्स। आइए फ्रेंड्स, आप भी खाने। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, मैं रूपा हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ पालक मटर की सब्जी। ये सब्जी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, स्वादिष्ट के साथ साथ ये काफ़ी हेल्दी होता है। वही रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी समय मेरे साथ मेरी वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा प्लीज़। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम मटर ले लिए हैं, मटर एक किलो था तो छोड़ा लिए हैं, और दो छोटे छोटे साइज के प्याज था वो प्याज हम चॉप कर लिए, एक इंच के अदरक था तो अदरक को हम घीस लिए। यहाँ दो छोटी छोटी टमाटर है, टमाटर को हम काट लिए हैं। फ्रेंड्स देखिए, पानी में उबाल आ गया है, तो पानी में उबाल आते के साथ हम यहाँ पर पालक लिए हैं अपनी आवश्यकता अनुसार। अब पालक को डाल देंगे और आँच को हम तेज किए हैं और पालक को ऐसे पकड़ते हुए हम पलट देंगे। एक से दो मिनट गर्म पानी में रखना है पालक को, थोड़ा सा नरम हो जाए, बस इतना ही करना है, उबालना नहीं है। इससे क्या होता है ना, पालक के कचापन निकल जाता है। गैस के आँच हम बंद कर दिए हैं फ्रेंड्स, क्योंकि पानी में उबाल आ गया है। अब निकाल देंगे। निकाल के ठंडा होने के बाद इसको पीस लेंगे। यहीं पर डाल रहे हैं हम सरसों का तेल, है ना। तेल अंदाज से डालिएगा, कितना सब्जी बना रहे हैं उसी अनुसार डालिएगा। फ्रेंड्स तेल गर्म हो गया है, यही डाल देंगे दो तेजपात। अब डाल देंगे ये प्याज और टमाटर अदरक। फ्रेंड्स देखिए, प्याज ना गुलाबी हो चुका है और टमाटर भी हल्का गल गया है, है ना। इतना ही इसे थोड़ा सा भून लीजिएगा, इससे होता है ना प्याज के कचापन दूर हो जाता है। अब क्या करेंगे ना, यहीं पर डाल देंगे हम पालक जो उबाल के पीसे हैं वो। और फ्रेंड्स यहीं पर डाल देंगे मटर, मटर साथ में डाल देते हैं। आँच को थोड़ा धीमा कर देंगे, यहीं पर डालेंगे मसाला। तो अदरक जो घीसे हैं फ्रेंड्स दिखाए थे, वो अदरक भी यहीं डाल देंगे। ये धनिया जीरा का पाउडर है, काली मिर्च मिक्स है, घरेलू मसाला ये भी डाल देंगे। यही डाल देंगे हल्दी पाउडर, डाल देंगे गरम मसाला। मेरे पास पाउडर है तो पाउडर डाल रहे हैं, अगर साबुत है तो आप यहीं पर इसको थूर के डाल दीजिएगा। यहीं पर डाल देंगे हम लहसुन के पेस्ट, डाल देंगे तीखी मिर्च, थोड़ा सा स्पाइसी हमारे यहाँ लोग खाते हैं तो उसी अनुसार हम मिला रहे हैं। मिर्च आप अपने अंदाज से मिला लीजिएगा। यहीं पर डाल देंगे नमक, कुछ नहीं मिलाना है, सिर्फ पालक और मटर को अच्छे से गला लेना है। पालक हल्का उबला हुआ है फ्रेंड्स, पालक अभी कच्चा है और मटर फ्रेश मटर है तो ये भी पकेगा। यहीं पर डाल देंगे हींग, हींग बाद में ही डालिएगा, इसकी खुशबू ज़्यादा अच्छी लगती है। ऐसे ही अब पकेगा, भूनेगा तब आराम से ये पक जाएगा। इसे थोड़े देर के लिए ढक देते हैं ताकि मटर गल जाए। आंच धीमा कर दिए हैं, अब खोल के हम फिर देख लेते हैं। और हल्का सा उबलता हुआ पानी में आप डाल के पालक पीस कर बनाइएगा फ्रेंड्स, उसका अलग टेस्ट हो जाता है। और कच्चे पालक आप पीस के बनाइएगा तो उसका अलग टेस्ट हो जाता है। कच्चा पालक वाला जो पीस के बनाइएगा ना तो बच्चे पकड़ लेते हैं, पालक की सब्जी है ना, पालक मटर के, तो खाने में थोड़ा नखड़ा करते हैं। पानी में उबाल के जब पालक बनाइएगा पीस के, उसका हाँ टेस्ट अलग हो जाता है, दोनों का टेस्ट में बहुत अंतर हो जाता है, है ना। तो आप ना इस तरह बनाइएगा तो देखिएगा, बच्चे मांग मांग कर खाएंगे, बच्चे ही नहीं खाते, हम बड़े तो खाते ही खाते हैं। फिर ढक के और इसे पका लेते हैं, मटर गला लेते हैं। फ्रेंड्स अब खोल के हम चला रहे हैं,
अभी मटर नहीं गला है, गल जाएगा। देखिए मटर में भी ये हर दाना का होता है ना, बड़ा छोटा। फ्रेंड्स ढक दिए थे, मटर गला नहीं था इसीलिए, और मटर गल जाए। और देखिए पालक का पानी सूख चुका है, अभी तक पानी के यूज नहीं किए हैं, है ना। अब ना मीडियम आंच करके अब इसे भूनेंगे, तब तक भूनेंगे जब तक इसमें से तेल ना छोड़े। जब तेल छोड़ देगा ना फ्रेंड्स, तो ये परफेक्ट पालक भून जाएगा, तो पालक का जो महक होती है टेस्ट वो नहीं आएगा, है ना। हरा तो दिखेगा लेकिन वो टेस्ट पालक वाला नहीं आएगा, जो बहुत सारे लोग पालक का टेस्ट पसंद नहीं करते हैं, बच्चे तो खास कर नहीं पसंद करते हैं। तो इस तरह बनाइएगा ना तो बच्चे बड़ी अच्छे से खाएंगे। फ्रेंड्स एक बार बना कर देखिए ना। अब आँच को हम मीडियम कर दिए हैं फ्रेंड्स, यहीं पर डाल देंगे एक चम्मच के करीब दही है। दही का प्रयोग निश्चित कीजिएगा फ्रेंड्स, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चाहे दही नॉर्मल हो या खट्टी हो, लेकिन खट्टी हो थोड़ा कम कर दीजिएगा, क्योंकि टमाटर इसमें पड़ा होता है ना, तो ज़्यादा खट्टी दही डालिएगा तो खट्टा टेस्ट आ जाएगा। अगर पसंद करते हो तो डाल दीजिएगा, उसमें क्या है, लेकिन डालिएगा ज़रूर दही। यहीं पर डालेंगे कसूरी मेथी एक छोटी चम्मच, थोड़ा सा मसलते हुए डाल दीजिएगा अलग अलग करके। एक बार बना के खाइएगा फ्रेंड्स, पनीर की सब्जी भूल जाइएगा, इतना टेस्टी होता है। देखिए मटर गल गया है फ्रेंड्स, अच्छे से मटर गल गया है, दबा के इसलिए देखे हैं, दो तीन मटर दबा के देख लीजिएगा फ्रेंड्स। देखिए भूनते भूनते ना तेल छोड़ने लगा है, किनारे किनारे आप देख रहे होंगे हल्का हल्का तेल छोड़ रहा है। यहाँ पर भी देखिए बहुत ज़्यादा तेल का प्रयोग नहीं किए हैं, इसलिए अलग अलग मतलब साग से अलग नहीं है और इकट्ठा हो रहा है, देख रहे हैं। और मटर बहुत अच्छे से गल गया है फ्रेंड्स। यहीं पर डालेंगे फ्रेंड्स पानी, ये बहुत पतला नहीं होता है, थोड़ा सा और डालेंगे पानी, काफ़ी गाढ़ा है। यही डाल देंगे हम धनिया पत्ती एक चम्मच, लेके टेस्ट कर लेंगे कि इसमें नमक वगैरह सब सही है कि नहीं है। नमक कम है फ्रेंड्स, मटर गल गया है। आंच धीमा करके एक आध दो मिनट तक पकने देते हैं फ्रेंड्स। अब इसे चला लेते हैं और चला के देखते हैं। परफेक्ट बना है, देख रहे हैं, इसी तरह बनाना है, गाढ़ा ही रहता है, बहुत पतला नहीं होता है। अब गैस के आंच हम उतार देते हैं, बन गया पालक मटर। इसकी तड़का लगाने के लिए हम यहाँ पैन चढ़ा रखे हैं, यहीं पर लेंगे एक चम्मच के करीब देसी घी, थोड़ा सा लेंगे जीरा, जीरा चिटक चुका है, यहीं पर डाल देंगे हम सूखी मिर्च, तड़का तैयार हो गया फ्रेंड्स। खोल के आपको दिखाते हैं, अब इसे चला के हम आपको दिखाते हैं, देखिए कितना गाढ़ा हो गया। दो चार मिनट छोड़ दीजिएगा ना, ये अपने आप गाढ़ा हो जाता है, और इतना ही गाढ़ा पर आप भी बनाइए। चलिए फ्रेंड्स इसे सर्व कर लेते हैं। अब यही जो तड़का बनाए हैं फ्रेंड्स ये भी डाल देंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। फ्रेंड्स जाते जाते लाइक तो करते जाइए, कैसी लगी ये मेरी रेसिपी ये भी कमेंट द्वारा जरूर बताइएगा।